नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज मंथन में दो उन चुनावी राज्यों की बात जहां एक जगह पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरी जगह मतदान बाकी है। बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा की आज करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में अगर देखा जाए तो इस समय बिल्कुल चरम पर है तापमान, टेम्परेचर बढ़ चुका है। राजनीति का लगातार वहाँ पर प्रसार, जो प्रचार है वो चल रहा है राजनीतिक दलों का। केजरीवाल के आने के बाद क्या त्रिकोणी मुकाबला होगा, क्या केजरीवाल कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। इस बीच एक प्रत्याशी जो कांग्रेस का था उसके काफिले पर आज गोलीबारी भी हुई, ये खबर भी हरियाणा से आई। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है सत्ता को लेकर, कांग्रेस के अंदर ही एक धड़ा है भूपेंद्र हुड्डा का और दूसरा धड़ा है कुमारी सैलजा का, जो सांसद हैं। कुमारी सैलजा के खेमे के लोग कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ 9, उनके जो गुट के हैं वो सिर्फ 9 लोगों को टिकट उनके मुताबिक दिया गया है, जबकि भूपेंद्र हुड्डा ने 72 लोगों को टिकट दिलवाया है। इस बात को लेकर रस्साकसी चल रही है। सैलजा जहां से सांसद हैं वो उस इलाके में भी चुनाव प्रचार करने एक हफ्ते से नहीं गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। राहुल गांधी के आज हरियाणा पहुंचने के बाद एक बार फिर सैलजा प्रचार करती नजर आई। कांग्रेस के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स है, सत्ता को लेकर खींचतान है कि जो सरकार, क्योंकि वहां कांग्रेस को उम्मीद दिख रही है कि सरकार उनकी आ रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अंदर खींचतान, भूपेंद्र हुड्डा, सैलजा, सुरजेवाला, कई कई धड़े हैं, लेकिन सुरजेवाला उतने प्रभावी नहीं दिख रहे हैं। सैलजा एक दलित चेहरा हरियाणा का, बड़ी नेता, और दूसरा हरियाणा में अच्छी खासी 21-22% दलितों की आबादी, और दूसरा बड़े हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा। तो हुड्डा एक बार फिर चर्चा में है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहकर निशाना साधा है कि जो सैलजा हैं उनको कांग्रेस पार्टी डिमोरलाइज कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच कांग्रेस वाला दलित कार्ड खेल दिया, यानी कांग्रेस के दलित नेता को आगे करके भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सैलजा का सम्मान नहीं कर रही है और उनकी, कांग्रेसियों की ये फितरत है, ये उनकी आदत है कि दलितों, शोषितों, पीड़ितों के नाम पर वोट तो ले लेते हैं लेकिन वो सम्मान नहीं करते। तो जो बीजेपी ने कांग्रेस वाला दलित कार्ड चला है उसका, उसके क्या मायने हैं और हरियाणा के चुनाव में वास्तव में चल क्या रहा है, आज मंथन में पहले चरण में हम इस पर चर्चा करेंगे। और ब्रेक के उस पार जाएंगे तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हरियाणा बहुत दिलचस्प है। 10 साल तक सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत सारी चीज़ें वहां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमेबंदी थी, बहुत सारे विरोधी थे, कुछ विरोधियों को साहब सिंह सैनी ने मनाने की कोशिश की, मना भी लिया। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के भी जो विरोधी थे, विद्रोही थे अंदर के, बल्कि विरोधी नहीं बल्कि विद्रोही कहिए, विद्रोही उम्मीदवार, उनको भी दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा कैंप ने मना लिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हरियाणा की पॉलिटिक्स एक अलग तरीके से, जरा वो ग्राफिक प्ले किया जाए स्क्रीन पर कि हरियाणा की राजनीति को लेकर क्या क्या कंटेंट है वास्तव में, इस समय क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने आज रखी हैं। तो कांग्रेस की जो गारंटी है उसको लेकर हरियाणा में हम बात कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर गारंटी है, जो कांग्रेस ने गारंटियाँ पेश की हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन पर एक बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी ने चला है। बहुत सारी पक्की नौकरियों की बात की है, नशा मुक्ति की बात की है, भर्ती विधान के अनुसार करने की बात की है, तो बहुत सारी चीज़ें कही हैं कांग्रेस पार्टी ने, बहुत सारी चीज़ें कही हैं। पिछड़ों के लिए जातिगत सर्वे की बात की, क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख की बात की, सामाजिक सुरक्षा की बात की, बुजुर्गों, दिव्यांगों
और बाकी कुछ 6,000 रुपये महीने पेंशन की बात की है, पुरानी पेंशन बहाली की बात की है। कांग्रेस ने पूरा लॉलीपॉप वहां पर दिया है, इसमें कहीं कोई संदेह? तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत अलग तरीके का गुणागणित है। सीधे भूमिका अब बहुत आवश्यकता है नहीं, सीधे मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। प्रवीण वत्स साहब हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं हरियाणा से, बहुत स्वागत प्रवीण जी। नीरज गुप्ता कांग्रेस के नेता हैं और लाडीपाल पिहोवा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत तीनों मेहमानों का, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। प्रवीण वत्स साहब से हम एक बार सीधे रुख करेंगे। प्रवीण जी, जिस तरीके से हरियाणा में आज एक मुद्दा बना बनाया गया या दिख रहा है कि शैलजा बार बार बीजेपी कैंप और कुछ तो नहीं कह रहा ये, लेकिन ये कह रहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में सम्मान नहीं है दलितों का, शैलजा के मुद्दे में बीजेपी को बड़ा इंटरेस्ट है। प्रवीण जी। जी बिल्कुल चौहान साहब, देखिए बीजेपी और इसके साथ साथ जो जेजेपी है जिसका समाज पार्टी से गठबंधन हुआ है, दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को लेकर बड़ा मुखर दिखाई दे रही हैं कि शैलजा का सम्मान नहीं किया जा रहा है कांग्रेस में और शैलजा को अलग थलग से रख दिया गया है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि शैलजा अभी तक प्रचार के लिए हरियाणा के चुनाव में नहीं उतरी है, तो इस तरह का प्रचार लगातार विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, जिसका जवाब भी मैं आपको बताऊं, 3 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था कि शैलजा जो है हमारी सम्मानित नेता है और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरी बहन है, ये भी कहा उन्होंने, प्रवीण जी शायद आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े हुड्डा ने कहा कि शैलजा हमारी बहन है। हाँ, शैलजा हमारी बहन है और सम्मानित नेता है, उनका पूरा सम्मान है पार्टी में। लेकिन जो विपक्ष है, जो सत्ता पक्ष है, वो लगातार इस चीज को भुनाने की कोशिश कर रहा है कि दलितों का अपमान कर रही है जो भारतीय कांग्रेस पार्टी है, और लगातार जो उनको प्रचार से दूर रखा जा रहा है और अभी तक शैलजा जो है बाहर नहीं निकली है। इसी तरह जो एक क्षेत्रीय दल है जेजेपी, जिसका आज पार्टी गठबंधन हुआ है, उनका भी यही कहना है कि आज ही दुष्यंत चौटाला का एक बयान आया था कि शैलजा के साथ अन्याय कर रही है जो पार्टी, वो क्या दलितों के साथ न्याय कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि दलित वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है हरियाणा में, और उसको साधने के लिए दोनों ही पार्टियां शैलजा को अब मोहरा बनाकर कांग्रेस को कहीं ना कहीं डाउन करने का प्रयास कर रही है। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी को खुद ही बताना चाहिए कि उनके यहाँ हरियाणा में दलित नेताओं की क्या स्थिति है, उनको कम से कम ये स्पष्ट करना चाहिए कि भाई वो उन्होंने हरियाणा में कितने दलित नेताओं को आगे बढ़ाया। अगर उदय भान की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के मुझे लगता है वो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उदय भान, और इसी वो भी दलित वर्ग से आते हैं, शैलजा भी दलित वर्ग से आते हैं। अगर PCC का चीफ अगर दलित है तो अब के कौन से सम्मान की बात वो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा क्लिकिंग मुद्दा क्या वहाँ नहीं दिख पा रहा है कि उनको कांग्रेस के अंदर जाके उनको दलितों का सम्मान और अपमान खोजना पड़ रहा है? प्रवीण जी, प्रवीण जी, मुझे लगता है कि प्रवीण जी का नेटवर्क कुछ गड़बड़ है। नीरज गुप्ता से जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस के नेता। जी जी जी, प्रवीण जी आप ऑडिबल हैं? हाँ जी, बताइए बताइए। बोलिए 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 बोलिए, मेरा अगर सवाल सुना हो तो आप मुझे जवाब दीजिए। देखिए, उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बड़ा दलित चेहरा है हरियाणा के, और उसके साथ ही जो शैलजा है उनको भी जो टिकट उनके मन मुताबिक सीट से दिया गया और वो आज लोकसभा की मेंबर हैं। इसके अलावा जो आपने भाजपा की बात की, कि भाजपा अभी आपने पीछे देखा होगा चौहान साहब के जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे करणदेव कंबोज जी, उन्होंने जो है भाजपा पार्टी को अलविदा कह दिया था जी। तो दूसरों पे आरोप लगाने से पहले भाजपा को अपने घर में भी एक बार जरूर देखना चाहिए कि वहां पर क्या चल रहा है। इसके साथ ही जिस तरह का विद्रोह, जिस तरह की भगदड़ भाजपा में मची थी, मची सभी पार्टियों में थे, लेकिन जो भाजपा में जो भगदड़ मची है वो बहुत ज्यादा मची है। यहाँ तक कि एक बार तो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री जो हरियाणा के रहे हैं, और उनको ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में भाजपा के वो जनक हैं, उस समय के नेता हैं जब अकेले वो झंडा उठा के भाजपा का चलते थे। रामविलास शर्मा का शायद आप जिक्र कर रहे हैं, रामविलास शर्मा का जिक्र कर रहे हैं। रामविलास शर्मा जी ने भी एक तरह से विद्रोह करने की तैयारी कर ली थी, हालांकि वो पुराने नेता हैं और समझदार नेता है, बाद में जब मुख्यमंत्री उनके निवास पर पहुंचे तो वो एग्री हो गए, लेकिन उनके समर्थक आज भी नाराज हैं। कविता जैन, रामविलास शर्मा, बहुत सारी फेरिस्त है जी 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 जी। इस तरह के बहुत से नेता हरियाणा में जो भाजपा
से नाराज चल रहे हो और इसका कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा को साफ तौर पर अच्छा होता नजर मेरा आ रहा है। सवाल नीरज भाई, और मेरा सवाल अभी नीरज भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि वास्तव में क्या बीजेपी के पास कोई कुछ बताने के लिए नहीं क्या कि मुझे आप इस पर वोट दे दो, तो वो दूसरी पार्टी में जाके देख रहे कि उनके नेताओं का क्या हाल है। अरे भाई अपना चुनाव देखो, अभी क्या जरूरत है आपको दूसरी पार्टियों में जाने की, आप अपनी पार्टी को देखो देखिए पहले। देखिए चौहान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। 2009 तक तो इनका बीजेपी का कोई जनाधार नहीं थे, सिर्फ दो तीन नेता हुआ करते थे, इसमें अनिल विज और एक दो नेता और हुआ करते थे। इनकी हमेशा दूसरे दलों पर नजर रही है, अपने दल के बारे में सोचते नहीं कि उनकी दुकान में कोई सामान ही नहीं है। भाई सामान होगा तभी तो देखेंगे, दूसरे दुकान के सामान पर नजर रहती है। उस नेता ने क्या कहा, देखिए ना हमने उनको क्या सामान नहीं दिया। वो हमारी पहले अध्यक्ष रही, सेंट्रल मिनिस्टर रही और आज हमारी एमपी है। उदय भांजी को हमने सामान दिया, अशोक तंवर जी थे पहले दलित जी, उनको हमने अध्यक्ष बनाया। इनसे पूछो इन्होंने क्या सामान दिया। आज इनके अनिल विज जी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में हूँ, सबसे पुराने नेता है वो, सबसे पुराने नेता है बीजेपी के, जिन्होंने बीजेपी को जिंदा रखा, स्टैंड रखा। रामविलास शर्मा जी हो गए, उनको इन्होंने किनारा लगाने का काम किया, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, हमेशा दूसरे दल के बारे में चर्चा करेंगे, उससे वोट गेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता सब समझती है इन्होंने क्या किया, और इनका तो भ्रमर सिर्फ 5 साल का है। ये जो कहते हैं हमने 10 साल सरकार चलाई, 10 साल चलाई, हरियाणा की जनता ने इन्हें सिर्फ 5 साल का बहुमत दिया। और 2019 में नारा दिया था 70 70 पार, 40 सिमट गए, जसपा को गाली देते थे, जसपा से गठबंधन कर लिया। इतने घोटाले इनके हुए, सिकारता घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, और आप देखिए संसार का पहले ऐसा फरीदाबाद का नगर घोटाला हुआ जिसमें 200 करोड़ की पेमेंट बिना काम के होगी, वो उस पर आरक्षण लगाता है। बीजेपी वाले कहते हैं जसपा जसपा कहते हैं, आप इनसे पूछ बोलिए बीजेपी सरकार थी वो पोर्टफोलियो किसके पास था, आज तक उसका रेगुलेशन नहीं किया। सिर्फ ये बीजेपी का काम है झूठ बोलना, धोखा देना, बरगलाना, जनता को बरगलाना। 15 लाख आएंगे खाते में, 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाई और बहनों काला धन वापसी लाऊंगा। नवीन जिंदल जब हमारी पार्टी में थे कोला चोर बोलते थे कि 30,000 करोड़ की दलाली मैं इनके पेट से निकालूंगा, इनकी तिजोरी से निकालूंगा। बाद में उनको अपने दल में मिला लिया, वो 30,000 रुपए कहाँ गए भैया, इनसे पूछे कोई, सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है। देखिए हरियाणा की जनता पढ़ी लिखी है, एक बार इनके झांसे में आ चुकी है, अब कोई झांसे में नहीं आएगी। हरियाणा की जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस को विश्वास देगी, कांग्रेस को शासन चलाने का अनुभव है। और देखिए हमने ओपीएस हरियाणा में, ओपीएस हमने हिमाचल में लागू किया, सबसे पहले लागू किया, और ओपीएस वहां चल रहा है। इन्होंने राजस्थान में वादा किया, कोई लागू नहीं किया, किसी भी स्टेट में ओबीसी लागू नहीं किया। हमें सरकार चलाने का अनुभव है। और देखिए मेट्रो लेके आए इनके जो प्रधान सेवक प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनको नरेंद्र मोदी कहा जाता है, वो एक बार फरीदाबाद आए थे, बल्लभगढ़ फीता काट गया, 1 इंच भी मेट्रो नहीं बढ़ी, उससे ज्यादा झूठ कौन बोलेगा। 81 किलोमीटर मेट्रो हमने हरियाणा में बनाई, जो हरियाणा का सपना था, दिल्ली एनसीआर का सपना हुआ करता था, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है, इसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं। बीजेपी प्रवक्ता खुद सेट कर ले। देखिए इनका है सिर्फ नेगेटिव फैलाना, झूठ फैलाना कि दलित तो मानी, कुमारी शैलजा हमारी बहुत बड़ी नेता है और किसी परिचय का मोहताज नहीं, और कांग्रेस में उनका क्या स्थान है सब ठीक जानते है। हैं। हमें किसी से नीरज सर्टिफिकेट नहीं नीरज गुप्ता, मिलती, नीरज अगर इनको गुप्ता, ध्यान देना है तो अपने अनिल विज पे ध्यान दे, नीरज जो गुप्ता, निर्णय मुख्यमंत्री के। नीरज गुप्ता बात ठीक है, बात ठीक है, उनको अनिल विज पर ध्यान देना चाहिए, आप शैलजा पर ध्यान दो, भाई लेकिन साहब लेकिन कहीं ना कहीं नीरज जी अंदर कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि आपके नेता शैलजा का जो है वो प्रचार नहीं कर रही हैं, लगातार वो एक मौका दे रही हैं कि विपक्ष उनको वो करे। क्या आप लोग ये मान चुके हैं कि आप सत्ता में आ रहे हैं और अभी से मुख्यमंत्री की लड़ाई शुरू कर दी है अंदर अंदर आप लोगों ने, नीरज गुप्ता? मुख्यमंत्री कोई लड़ाई नहीं, हाई कमान जो करेगा फैसला वो सबको एक्सेप्ट होगा। हाई कमान का साफ आदेश है कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद होगा, बहुमत के बाद होगा, और जिसके विधायक ज्यादा होंगे उसे मुख्यमंत्री चुना जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, जो हाईकमान का निर्देश हो संभालेंगे, तो मुख्यमंत्री हमारा बाद में डिक्लेयर होना है, तो पहले ही क्लियर है, तो इसमें कोई सोचने लड़ाई वाली तो बात नहीं पहले है। शुरू हो गई ना आपके यहाँ, सुरजेवाला अलग दावा कर रहे हैं, शैलजा जी अलग कह रही हैं, हुड्डा जी कहने के मैं तो आवाज आ बनने के रही लिए है आया सर, हूँ। सर सर मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता, अनिल विज जी भी दावा कर रहे हैं कि मैं सीनियरिटी के हिसाब से कह रहा हूँ, मेरे इतने साल हो गए मुझे भी मुख्यमंत्री बनाइए, तो मुख्यमंत्री कौन नहीं बनाया जाता, कौन नहीं बनना चाहेगा। लेकिन फैसला हाईकमान का होगा, जो भी हाईकमान का फैसला होगा, जिसे विधायक दल के नेता चुनेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता पिहोवा जी हैं क्या हमारे साथ में? जी, ऑन स्क्रीन हेलो, दिख नहीं रहे हो। पिहोवा जी, अगर कांग्रेस जी पार्टी बहुत सारे दावे कर रही है, आप लोग अचानक आपको शैलजा जी से कितनी सिंपैथी क्यों हो गई भाई? आपके यहाँ ओबीसी मोर्चा का नेता कंबोज जी
पार्टी छोड़कर चले गए, आप इतने बड़े ओबीसी की पार्टी हैं, ओबीसी की हितैषी हैं, आप कांग्रेस के अंदर दलित देख रहे हैं, अपने अंदर ओबीसी नहीं देख रहे हैं, अपने अंदर जो आपके नेता रामविलास शर्मा जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया वो आंसू बहा रहे बेचारे, कविता जैन मना लिया आप लोगों ने, पता नहीं मानी कि नहीं मानी, और आपके आपके यहाँ खुद ही सारे ज़्यादा से ज़्यादा नेता मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो आपको कांग्रेस में दलितों की स्थिति पे क्यों चिंता करनी पड़ रही? आपने 10 साल सरकार चलाई, उन उन उन, उन पर मेरी आवाज आ रही मांग रहे हैं। हाँ आवाज आ रही, बोलिए जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो मेरे भाई अभी अभी कह के जा रहे हैं, अभी अभी कह रहे थे कि देखिए हिमाचल के अंदर, पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ मेरे कांग्रेस के भाई को कि हिमाचल के अंदर जो आपने गारंटी दी थी उस गारंटी का क्या हुआ? आपने, भारतीय जनता पार्टी ने जब से टिकटें अनाउंस की हैं उसके बाद आपने 2 दिन पहले टिकटें अनाउंस क्यों की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपको डर था कि आपके अंदर जो भगदड़ मची हुई है, आप हार के डर से टिकटें अनाउंस अब तक नहीं कर रहे थे। मैं अपने पेहवा विधानसभा की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डीडी शर्मा, पंडित जय भगवान शर्मा जी, और इनका प्रत्याशी जो मनदीप चट्ठा है, उस प्रत्याशी को 2 बार पहले हम हरा चुके हैं। 2019 में हमने 5,000 से ज्यादा वोटों से हराया, और अब की बार 2024 में भी हम उनको 15,000 से 20,000 वोटों से हरा करके भेजने का काम करेंगे। आप जो आज दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे विधानसभा के अंदर, पेहवा के अंदर, इन्हीं के कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए आए हुए हैं सुबह से, वो मान नहीं रहे हैं। सभी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि इनका जो संकल्प पत्र है वो कितना हताश संकल्प पत्र है। मैं आज बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 वादों के साथ संकल्प पत्र अपना कल घोषणा की, जिसके अंदर लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये देने का काम किया। हमने 2014 के अंदर से जब से सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, तब से आज तक पिछड़ों की आवाज बने तो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों का, दलितों का वोट हत्याना जानती है। वोट हत्या करके वो अपने आप को ठगा महसूस करते थे। हम कांग्रेस पार्टी से कहना चाहते हैं, अगर इतना ही आपको है, भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे किसान को, एक छोटे नेता को यहां से मुख्यमंत्री बना के भेजने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? अच्छा, आपको शैलजा जी की बड़ी चिंता है, आपको शैलजा जी की चिंता है, आपको सैनी जी की, बीज जी की चिंता नहीं है? अनिल विज को क्यों नहीं बनाते आप मुख्यमंत्री? अनिल विज को क्यों नहीं बनाते? साहब सिंह सैनी को क्यों बनाते आप? 4 महीने आपको शैलजा जी की बहुत चिंता है। 4 महीने पहले हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री ठीक है। पिहोवा जी आपको रोक रहा हूँ, बोलिए विनोद जी, नीरज जी बोलिए, नीरज जी बोलिए। असंत के विधायक गोगी जी का बयान सुन लो कल का, पहले हम अपना घर बनेंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे। 4 महीने पहले एक एक करके बोलो भाई, एक एक करके बोलो, नहीं कोई सुनाई नहीं पड़ा, जनता को बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगा। देखिए 10 साल के शासन में, इनका जो 10 साल के शासन में, 4 महीने जो बंच है वो जनता को समझ आ चुकी है। हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ के जनता को इनकी जो समझ आ चुकी है, 20,600 कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, समय बर्बाद हो रहा, कोई फायदा नहीं, हम अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे और दर्शकों का भी समय नहीं बर्बाद करेंगे। नीरज जी आप रुकिए जरा, इनको बोलने दीजिए, बोलिए होता था, बोलिए। बिना खर्चे बिना पर्ची के इनके एमएलए के, इनके मिनिस्टर के बच्चे लगा करते थे, आज गरीब घर के बच्चों को नौकरी मिलती है। 2.5 करोड़ आप लोगों ने रट लिया, गरीब घर के बच्चों को नौकरी मिलती है, गरीब घर के सारे लोगों को हटाया गया क्या एक भाषण? अरे जमीन की हकीकत देखो भाई, जमीन में हकीकत क्या है? किसान नाराज है, पहलवान नाराज है, नौजवान नाराज है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेगी। आपसे किसान नाराज है, आपसे नौजवान नाराज है, किसानों के इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आप किसके दम पर जीतेंगे भाई? सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर अगर एमएसपी किसी प्रदेश के अंदर आप सुनेंगे नहीं, किसी के झोंकते ही रहेंगे बिल्कुल। एमएसपी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है, रुकिए रुकिए पिहोवा जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। अब नीरज गुप्ता का की बारी, नीरज गुप्ता बोलिए, आप बीच में मत बोलिएगा प्लीज। टैक्स नहीं, सपने लीजिए, तीसरी बार सरकार बनेगी, चौथी बार बनेगी, इसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती।
आपने तो किसानों को ही नहीं बख्शा, 750 किसान को मार दिया। आज हम ऐसे की बात करते हैं, अरे वो पसीना आ गया उनको। आज सुबह से विधानसभा पेड़ों के अंदर बड़े दिनों बाद नीरज गुप्ता उनको पसीना आ गया है, इतना ज्यादा पार्टी के पक्ष में मेहनत कर ली उन्होंने। खेल खिलाड़ी कितने नाराज है आपको अभी पता चल जाएगा। पार्टी के पक्ष में इतनी मेहनत कर ली है पिहोवा जी ने कि पसीना आने लगा। बोलिए नीरज गुप्ता। देखिए लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देने वाली बेटियों के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ और खिलाड़ियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ। आपके जो पहले मुख्यमंत्री थे सरकारी विकिल के साथ हरियाणा में पश्चिम बंगाल से वोट मिलेंगे क्या आपको? हरियाणा में पश्चिम बंगाल से वोट नहीं मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में वोट मिलेंगे, हरियाणा में मिलेंगे जो किसानों के साथ आपने किया उस पर फैसला होगा। दूसरे बीच में कैसे बोला जाए, अपने बारे में बोलना भाई साहब, नहीं तो मैं आपको नहीं बोलना दूंगा, मुझे ही बोलना आता है। इसलिए अपनी बारी का ध्यान रखे, कोरम बनाए रखे। आप नेशनल चैनल पे डिबेट कर रहे हैं ना कि छोटे मोटे चैनल डिबेट कर रहे हैं, आप मर्यादा बना के रखे। देखिए जब इन्होंने इनके जो मुख्यमंत्री थे वो हमने इस्तीफे के लिए बोला, संदीप सिंह के लिए सरकारी वकील की तरह खड़े हो गए, भाइयों मैं इस्तीफा नहीं लूंगा। क्यों नहीं लिया आपने इस्तीफा बताइए, क्यों नहीं? कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, एमएसपी पे एमएसपी। अरे कोई नैतिकता होती कि नहीं होती? कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, नैतिकता भी कोई चीज है राजनीति में? उसमें 8-10 फसलें तो हरियाणा में होती नहीं, 8-10 फसलें तो हरियाणा में होती नहीं। एमएसपी की घोषणा करोगे और 2 महीने पहले एमएसपी की घोषणा कर रहे हो? आपके जो सीएम साहब है ना, पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उससे पहले आपके सीएम साहब है, जनता पार्टी और हरियाणा प्रदेश का पहला एक ऐसा प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के नेता को मैं रोक रहा हूँ। आप रुक जाइए, गलत बात बीजेपी के नेता को मैं रोक रहा हूँ, गलत बात। पहले उनको बोलने दीजिए भाई, मैं आपको मौका दूंगा। हर एक पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हरियाणा एक पहला राज्य है जो एमएसपी पे पूरी फसलें खरीदता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है आप दोनों को रोक रहा हूँ, मैं प्रवीण जी के पास जाऊंगा। प्रवीण जी, जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हरियाणा में इस समय चुनावी मुद्दे क्या हैं, मुख्य रूप से क्या मुद्दा है, और जो दोनों बड़े राष्ट्रीय दल हैं वो कहाँ खड़े हैं, जरा दर्शकों को समझा दीजिए। प्रवीण जी, अनम्यूट करिए। प्रवीण जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट करिए। जी प्रवीण जी, अभी आपकी आवाज मिल नहीं रही। मुझे लगता है कुछ अवरोध है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जाएंगे। नीरज गुप्ता, वो कौन से दो मुद्दे हैं जिनके दम पर आप वहाँ वोट मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं सरकार आपकी बनेगी? जल्दी से, बहुत जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है, बोलिए। देखिए, छत्ती बरादरी जनता मन बना चुकी है, हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और जनता जब मन बना चुकी होती है उसके समर्थक को नहीं रोका सकता। हम जनता के मैंडेट का सम्मान करते हैं। जनता ने हमें 10 साल से सत्ता से बाहर रखा, 10 साल इनको सत्ता में रखा। जनता कंपेयर कर रही है 10 साल के राज, इनके 10 साल रह गया। हरियाणा की जनता भोली वाली नहीं है, बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, जो आप बेवकूफ बना के दोबारा सत्ता डालेंगे। हरियाणा की जनता अच्छी तरह जानती है कांग्रेस ने क्या किया और आपने किया। आपने कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिन पर लाठी ना बसाई हो। कौन कौन से वर्ग को मनाओगे आप बताइए, सारे वर्ग आपसे नाराज है। इसलिए हरियाणा की जनता कांग्रेस को समर्थन देगी, लेकिन मैं घमंड में नहीं बोलता, लेकिन छत्ती बिरादरी के इनपुट पे कह सकता हूँ हरियाणा में कांग्रेस सरकार बने। ठीक है पिहोवा जी, आपको क्यों तीसरी बार सरकार में लाए जनता वहां? क्या ऐसा दो बड़े महत्वपूर्ण आपने काम कर दिए जो बिल्कुल वहां क्रांति आ गई है, और आपको क्यों बोला? भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे पहले तो मैं आपको बात करूं, हर जिले के साथ, हर शहर के साथ जो रोडों के कनेक्टिविटी करने का काम किया। पूरे देश के अंदर आज हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने पूरे हरियाणा के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। 152D की बात करूं, नारनौल हिसार हाईवे की बात करूं, पूरे बाईपास की बात करूं, ऐसा कौन सा काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया? आज मैं अगर बात करूं बुजुर्गों की पेंशन की, 3000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है, आ गई। अगर प्रवीण जी की आवाज आ रही हो तो उनसे एक छोटा सा कमेंट लेंगे। प्रवीण जी,
भाई साहब सुनने की क्षमता रखिए आप। ठीक है अब टाइम अप हो गया भाई। ठीक है प्रवीण जी, 2014 से पहले जब इनकी सरकार थी, प्रवीण जी 75,000 नौकरियां देने का काम किया, गोलियां आपके प्रवीण जी। ठीक है आप लाख से दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाए। ठीक है दोनों की बात आ गई। प्रवीण जी अगर सुन पा रहे हो और प्रवीण जी की आवाज अगर मिल रही हो तो एक एक हाँ बोलिए प्रवीण जी। वो कौन से बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव हो रहा होने जा रहा है? देखिए चुनाव जो है अभी जैसे बेवा जी कह रहे थे और नीरज जी कह रहे थे, ये दोनों ही पार्टियां असल में एक तो केंद्रीय सरकार की योजनाएं गिनाकर सत्ता में आना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अभी सड़कों की बात बेवा जी कर रहे थे, सड़कों की हालात एक बार गुड़गांव फरीदाबाद और दक्षिण हरियाणा में आके देख लीजिए, आपका ये वहम दूर हो जाएगा कि आपने सड़कों पर कितना काम किया है। उसके अलावा जल भराव आप देख लीजिए, जल भराव से आपका वहम दूर हो जाएगा कि क्या हालात हैं इस शहर के, आप अखबारों में देखते होंगे, मीडिया रिपोर्ट्स देखते होंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक लिख दिया है कि जी हम आपको 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देंगे, कानूनी गारंटी देंगे, लेकिन शायद कांग्रेस ये भूल गई कि एमएसपी की गारंटी का कानून जो है स्टेट के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, वो सेंटर के उसमें अंडर में आता, सेंटर में भाजपा की सरकार है। तो क्या कांग्रेस भाजपा की सरकार से एमएसपी की गारंटी कानून पास करा पाएगी? इस तरह से हरियाणा में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, आप स्वास्थ्य को उठाकर देख लीजिए, आप शिक्षा को उठा करके देख लीजिए। बेशक भाजपा कहे कि हमने विकास किया है, लेकिन एक भी जगह का उदाहरण मुझे दे दें कि हमने यहाँ पर एक नया स्कूल बनाया है। अभी 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 क्या लगता है कि दोनों बहुत बराबरी पर लड़ रहे हैं, केजरीवाल समीकरण बिगाड़ेंगे बनाएंगे, और क्या दलों की क्या स्थिति, क्या केजरीवाल कुछ कर पाएंगे वहां फिलहाल, ऐसा दिख रहा है क्या? देखिए अगर मैं बात करूं तो सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस की नजर आ रही है हरियाणा में, और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है वो इतना कुछ नहीं कर पाएगी सिवाय के कांग्रेस के कुछ वोट काटने का। आम आदमी पार्टी जरूर काम करेगी क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब मॉड्यूल है उसको हरियाणा की जनता एक्सेप्ट करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती है, जैसा कि हम लोग ग्राउंड पर देखते हैं। मुख्य मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच में है। हाँ इतना जरूर है जो भाजपा के बागी हैं और जो कांग्रेस के बागी हैं वो ही दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे, एक दूसरे को हराने में जो है पार्टी ही पार्टी का काम करेगी। जैसे बीजेपी के कुछ बागी नेता हैं वो बीजेपी को ही हरा रहे हैं, वो कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं, ये आपस में बीजेपी और बीजेपी के बागी लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति कुछ जगह पर है जहां पर कांग्रेस से कांग्रेस के ही बागी लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला तो दोनों में, लेकिन कुछ निर्दलीय भी जो है वो यहाँ पर इनका खेल बिगाड़ने का काम करें। बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया पिहोवा जी, नीरज गुप्ता बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा की स्थिति क्या बागियों पर निर्भर है? क्या क्या सरकार बागी कितना किसका बनाते हैं बिगाड़ते हैं इस पर निर्भर करेगी, या जैसा कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं कि वो एज में हैं, आगे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करीब तीसरी बार वो सरकार बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े उनके नेता हैं, हैं भी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से लौटेंगे तो जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर मतदान हो चुका है, 90 सदस्यीय विधानसभा है, उस पर बाकी जो सीटें हैं उन पर मतदान होना बाकी है। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बयान देकर मामले को अलग मोड़ दे दिया है कि उनकी बिना भूमिका के कोई भी सरकार बन नहीं पाएगी। ये एक बड़ा बयान है महबूबा मुफ्ती का, और इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, क्या स्थितियां हैं क्या नहीं हैं, अगले जो चुनाव का मसला है उसमें जिन सीटों पर अभी चुनाव होने बाकी हैं उनमें अभी श्रीनगर और जम्मू रीजन की सीटें भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 25 सितंबर को विधानसभा की 26 और 1 अक्टूबर को बाकी बची 40 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। 8 अक्टूबर को सभी 90 सीटों के नतीजे आएंगे। घाटी में सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटों की जरूरत होगी, जिस दल के पास ये बहुमत होगा वो सरकार अपने आप में बना ली जाएगी। घाटी में लगातार आतंकवाद को लेकर तमाम बहस होती रही है, उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें, विस्थापन है, कश्मीरी पंडितों की समस्याएँ हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी आरोप लगा कि इंजीनियर रसीद को
जेल से छोड़ा गया या उनको जमानत मिली, पैरोल पर आए प्रचार करने के लिए, सांसद हैं इंजीनियर रशीद, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को उन्होंने धूल चटाई है। इंजीनियर रशीद के बारे में कहा जा रहा है, जो विपक्षी दल हैं पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जो विपक्षी दल हैं उनके वोट इंजीनियर रशीद काट रहे हैं। जबकि इंजीनियर रशीद का दावा है कि जो पहले चरण में जिन 24 सीटों पर वोट पड़े हैं उनमें कम से कम 16-17 सीटें वो जीत रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो 24 सीटों पर क्या गुणागणित रहा उस पर भी हम बात करेंगे, और वहाँ के मूल मुद्दे क्या हैं, चुनाव आगे जो चुनाव होना वो किन मुद्दों पर होने जा रहा है। हमारे साथ कश्मीर मामलों के जानकार, एक आंदोलनकारी के रूप में बहुत काम करने वाले दीपक काचरू जुड़े। दीपक काचरू हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, कश्मीर मामलों के जानकार हैं, संजीव लूथरा सैनिक समाज पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, और जम्मू कश्मीर टाइम्स के संपादक वरिष्ठ पत्रकार संजीव केरनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। संजीव केरनी जी से एक बार हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले दीपक काचरू साहब के पास जाएंगे, चूँकि मुझे लगता है कि इसको ज़रा समझ लेना चाहिए। दीपक काचरू जी, जैसा कि लगातार चुनावों को लेकर तमाम दल अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं, लेकिन आप कश्मीर घाटी का परिदृश्य क्या देख रहे हैं? घाटी और जम्मू दोनों को अगर मिला लें तो जम्मू कश्मीर का जो परिदृश्य है, राजनीतिक माहौल की बहाली है, और किस तरीके से वहाँ लोग अब रिएक्ट कर रहे हैं? आपके पास बहुत सारी सूचनाएं हैं, बहुत सारी जानकारी है, और जो 24 सीटों पर चुनाव हुआ है उसको लेकर कोई खास जानकारी, कोई खास इनपुट आपके पास? देखिए, कश्मीर घाटी का जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, अभी आप देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती इलेक्शन हार गई, लास्ट उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हार गए, ऐसा आज तक पहले आपने कभी नहीं देखा होगा जी। और ऐसे लोग जीत रहे हैं जो घाटी के अंदर आतंकवाद का साथ दिया है, जो लोग इसमें लिप्त थे या जो सपोर्ट करते हैं उस चीज़ों को, तो बड़ा अजीब सा परिदृश्य है। और कई सीटों पे, जैसे बीजेपी कश्मीर श्रीनगर से नहीं लड़ रही है इलेक्शंस कई सीट्स पे, तो और ये उम्मीद है कि शायद आपस में लड़ा के जो कुछ सीट्स बचेंगी उसमें से इनको तोड़ के अपने यहाँ ला के और शायद बीजेपी इस बार सरकार बना ले स्टेट गवर्नमेंट की। बट हम लोगों की एज अ कश्मीरी पंडित, हम लोगों की जो मांग थी वो आज तक उन्होंने नहीं एड्रेस की। 10 सालों में हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें थी या हम लोगों को भुला दिया गया है, जो कहा जाता है हिंदुत्व की सरकार है बीजेपी की, लेकिन उन्होंने शायद उसको इतना महत्व हम लोगों को नहीं दिया या हमारी चीजों के लिए कोई भी चीज नहीं उठी। तो हमारी संस्था दीपक जी पूरे देश में कश्मीर 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 करके, चाहे वो मुरली मनोहर जी की यात्रा से लेकर और उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन से लेकर, पता नहीं बीजेपी जो अपने रूट में जाके कहती कि भाई कश्मीर तो हमारी रूट में है और कश्मीरों की जो हितैषी है, कश्मीरी पंडितों के हक और हकूक की बात हम करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर मुरली मनोहर जोशी लाल चौक में झंडा फहराने से लेकर अब नरेंद्र मोदी तक, ये कहा जाता है कि भाई सबसे हिमायती पार्टी तो थी है। आज जो आप कह रहे हैं, मैं चौंक रहा हूँ, मैं हैरत में हूँ कि 10 साल में अगर कश्मीरी पंडितों का मुद्दा ही एड्रेस नहीं हुआ है, ये तो बड़ी गंभीर विषय है। अगर कश्मीर फाइल पिक्चर बन जाती है उसमें देश भर के भाजपा नेता पिक्चर देखने चले जाते हैं और कहते हैं कश्मीर में अब हुआ बहुत गलत, बहुत हुआ, निश्चित तौर पर बहुत गलत हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, लेकिन भाई साहब इतना कह देने से हुआ बहुत गलत, आपने क्या किया? ये तो आप बड़ी हैरतअंगेज बातें कर रहे हैं आज। जी जी दीपक जी, देखिए हम लोगों को वही हमारा कहना है कि हम लोगों के पास कोई और किसी ने हमारी सुध नहीं ली, लेकिन हमको जब प्रधानमंत्री ने पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी पंडितों को 5,000 करोड़ का एक पैकेज दिया उन्होंने, और हमारी उम्मीदें बढ़ने लगी कि शायद हम लोगों के लिए कोई नए रास्ते खुलेंगे
और मतलब इन 10 सालों में बहुत मुश्किलों से बहुत बुरी हालत हुई है कश्मीरी पंडितों की, हमारी कम्युनिटी की, या कश्मीरी हिंदुओं की भी अगर हम पूरे में कहें, क्योंकि आपने देखा होगा घाटी में कैसे मारे गए, चुन चुन जी के जो जी रह रहे थे उनको मारा गया। और इस सरकार में होते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो थोड़ी सी हमें लगी, और हमारे लिए उम्मीद तो बीजेपी से ही थी सारी, बाकी सरकारों को देख चुके थे और हमें इनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए हैं बीजेपी हम लोगों के लिए। पूरे देश में एक जो बवाल का और पूरी चीज़ों का इन्होंने बनाया, लेकिन हम लोगों को वो चीज़ें नहीं दी। मतलब 10 सालों में कुछ भी नहीं किया, 370 हटाने के बाद से आज तक कुछ भी कश्मीरी हिंदुओं के लिए, पंडितों के लिए खास तौर पे नहीं किया, ना बसाने के लिए। जो वहाँ माइग्रेंट गए थे, हमारे जो वर्कर्स थे, पीएम पैकेज वाले वर्कर्स थे, उन्होंने भी काफ़ी टाइम प्रोटेस्ट किया, जम्मू में भी प्रोटेस्ट किया, क्योंकि श्रीनगर में उनको चुन चुन के मारा जा रहा था, और जी सरकार ने लगभग 1 साल तक उनको सैलरी नहीं दी, क्योंकि वो वहाँ से भाग आए थे। और उनकी परिस्थिति को आज भी हमें एड्रेस नहीं किया जा रहा। आप समझिए, जो लोग वहाँ से भाग के आना पड़ा उनको वापस जम्मू में, वो कह रहे थे कि हमको, हम लोग अपने ऑफिसेज में थे, घरों में थे, और पुलिस आके हमें कहती थी कि यहाँ से निकल जाओ वरना मार दिए जाओगे। जिनके यहाँ रहते थे वो मुस्लिम थे, घर मुस्लिमों के यहाँ रहते हैं कश्मीरी जो माइग्रेंट्स थे, और उनको वो लोग कहते थे भैया तुम यहाँ रहोगे तुम्हारे चक्कर में हम भी मारे जाएंगे, क्योंकि जो हत्याएं हो रही थी ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था। और उसके बाद से आज तक हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं आया जिसकी हमें बहुत उम्मीद थी इस सरकार से। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पनून कश्मीर संस्था है, जो हमारी जुड़ी हुई संस्था है, वो थोड़ा सा इसका इतराज़ भी कर रही है इलेक्शंस का, कि भाई अच्छा हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हालांकि मिक्स्ड रिएक्शन है, करते ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित बीजेपी से बहुत जुड़े हुए हैं और आशाएं बहुत हैं, लेकिन आपको दुख ज्यादा उसी से होता है जिससे आपकी ज्यादा आशाएं होती हैं। जी आप किसी से आशा रखते हैं और आपको लगता है कि यार ये तो धोखा हो रहा है हम लोगों के साथ, तो कुछ ऐसी ही फीलिंग कश्मीरी हाँ, मतलब पंडितों ऐसा लग की रहा है कि होती आपने है। बिल्कुल सेंटिमेंटल जो इमोशनल ब्लैकमेल किया, सेंटिमेंट्स को पूरे देश में बेचा, और जिनके सेंटिमेंट बेचे हो उनके लिए कुछ काम ही नहीं किया। काम ही नहीं किया, मतलब बिल्कुल यही ये तो हुआ। बड़ी गजब बात है। और 5,000 करोड़ को पैकेज का क्या हुआ दीपक काशरू जी? देखिए, पैकेज तो पहले भी हम लोगों को 16,000 करोड़ का दिया जा चुका था, और हुआ क्या, उसका उससे भी क्या कुछ हुआ, डिटेल स्थिति नहीं है जो सुधरी? बाकी सरकारों ने भी दिया था। जी हमें सिर्फ इन्होंने नहीं दिया, बाकी सरकारों ने भी दिया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। रिहैबिलिटेशन का कुछ नहीं हुआ आज नहीं, वो तक, पैकेज धरातल पर उतरा क्या? बाकी नहीं सरकारों हुआ, का, नहीं नरेंद्र हुआ, मोदी जी का, क्या पैकेज धरातल पर उतरा क्या? या जबानी जमा नहीं खर्च कर हुआ। दिया सरकारों ने अब तक आप लोगों के साथ में? नहीं, पहले ये कहा जाता था कि मुफ्ती मोहम्मद की जो सरकार थी वो हम लोगों को जमीन नहीं देना चाहती थी श्रीनगर में, ठीक जी है, और इन्होंने कोशिश की और नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को आज भी जमीन नहीं मिली। जैसे कोई ये हम लोग जो मांग थी कि हमें कुछ एरियाज दे दिए जाएं, वो आज भी नहीं दिए गए, तो अब या तो धारा उसके लिए तीन कोई सौ काम सत्तर वाला नहीं मसला हुआ, ही समाप्त हो हमें गया, रिसेटल अब तो करने दे का सकते कोई हैं काम नहीं हुआ, जी है ना। और जी वहां पे आप हालात देख रहे हैं आज भी, पिछले 10 साल में इस सरकार के भी, मतलब वैसे तो 34 साल हो गए हम लोगों को, लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी के टाइम में भी साल के किसी महीने में भी ऐसा नहीं हुआ कि आतंकवादी घटनाएं ना हुई हो श्रीनगर में। देश में ना हुई हो अलग बात है, श्रीनगर में लगातार आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं। माहौल जरूर बदल रहा है वहां का, ये तो है, पहले से बहुत बदलाव आया है 370 के बाद से, क्योंकि मैं जाता रहता हूं, मैंने देखा है, तो माहौल तो बदल रहा है, लेकिन पहले मालूम होता था कि कल्पित कौन है या कौन कौन क्या है। आज आप उनके बीच में रह के ये नहीं मालूम है कि कौन आपको कब मार देगा, या कौन आपका दुश्मन है, कौन आपके साथ है। तो जो लोग वहां काम कर रहे हैं पीएम पैकेज में, वो लोग बहुत अनसर्टेन रहते हैं, बहुत घबराए रहते हैं कि क्या होगा, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ, ठीक है और ठीक है इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेती है सरकार। ठीक है। तो अभी अभी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें कश्मीरी पंडित कहाँ पर खड़े हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ जरा। कश्मीरी पंडितों का वोट बैंक बहुत ज्यादा नहीं ना होने की वजह से शायद उनको एड्रेस नहीं किया जाता। ये अच्छा हमारी दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स पे नहीं आ पाते हैं, हम लोगों के कम है। और एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, हम कश्मीरी पंडित बहुत सालों से भी निकले हैं, कई जगह हैं, कई लोग हैं, हमें वोटिंग राइट भी नहीं है, मतलब डोमिसाइल होने के बाद भी वोटिंग राइट्स अभी भी नहीं है बहुत लोग, बहुत कश्मीरी पंडितों के।
क्योंकि वो वहां रहते नहीं है, बाहर रहते हैं, सब फैले हुए हैं अलग ये अलग सब जगहों सारी पे। सारी चीजों पर मीडिया बात ही नहीं करता। मुझे तो लगता है कि जितनी बातें आप बता रहे हैं तो घंटों का मसला है, इन पर मुझे नहीं लगता कोई राष्ट्रीय मीडिया बात करता है। उसको तो ये देखना किस किस लड्डू में चर्बी मिली है और किस में घी कम है। राष्ट्रीय मीडिया का भी यही हाल है। आप कश्मीरी, इन्होंने क्या कर रखा है कि माइग्रेंट जो थे वही माने जाते थे कश्मीरी पंडित, ठीक है, उन्हीं को सब कुछ दिया जाता था। अब जो माइग्रेंट नहीं भी हैं और कश्मीरी हैं, ठीक है, माइग्रेंट नहीं हैं और कश्मीरी पंडित हैं, उन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। जी जी आपकी पीढ़ियां वहां की हैं, आप उसके उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, आपको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता। और उसके अलावा भी जो हैं जिनके पास डोमिसाइल भी है, उनको भी इस इलेक्शन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनको नहीं दिया गया है वोटिंग राइट। तो ये तो कम से कम करना चाहिए कि हम वहाँ के हैं तो हमें वोटिंग राइट दिया जाए। हम रह नहीं सकते वहाँ पे, हम कहीं भी फैले हुए हैं दुनिया में। हाँ, लेकिन वोट तो डालने जाए भाई, वोट तो डालने जाए। मान लो बिहार यूपी के लोग दिल्ली में रहते हैं, बंबई में रहते हैं, लेकिन जब वोट आता है तो सब लोग आ जाते हैं वोट डालने, तो दिक्कत क्या है उसमें? देखिए कश्मीर तो हमें वापस जा नहीं सकते, हमारे लिए कश्मीर जाना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है ठीक है, मैं संजीव किरनी को जरा चर्चा में शामिल करता हूँ। संजीव किरनी, दीपक काचरू साहब ने बिल्कुल एक अलग तरीके की तस्वीर सामने रखी है, जो तस्वीर राजनीतिक तस्वीर भी उन्होंने अलग रखी है कि जो कुछ ऐसे घाटी के इलाके हैं जहाँ बीजेपी नहीं लड़ रही, वो चाह रहे कि आपस में लड़ो, उसके बाद देखेंगे। तो एक 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 पॉलिटिकल प्रोसेस इस तरीके का भी वहाँ चल रहा है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि भाई इतने पैकेज, इतनी व्यवस्था, इतना हल्ला देश भर में, दुनिया भर में कश्मीरी पंडितों को लेकर सबसे ज़्यादा सेंटीमेंट्स, और उसके बाद ढाक के तीन पात, स्थिति वही है। संजीव किरनी जी, देखिए मैं सबसे पहले आपको कहूंगा, जो भी ये चुनाव हुआ पहले चरण का, इसमें जो सबसे बड़ी बात मैंने देखी है, जो हमारे गीता में कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है जी। तो वो परिवर्तन जो हूं, पहले जो चुनाव होता था उसमें भाजपा कहती थी हम 370 लेकर आएंगे, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूं इसमें एनसी कह रही है हम 370 लाएंगे, वो कहते थे हम हटाएंगे, ये कहते थे हम लाएंगे जी। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है जी। पहले भाजपा का नारा होता था कि हम पावर में आएंगे तो हम 370 हटा देंगे, अब एनसी कहती है कि हम पावर में आएंगे तो हम 370 ले आएंगे। तो ये एक बड़ा, मैं कहता हूं जो गीता में लिखा है परिवर्तन संसार का नियम है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है ये है। और दूसरा जो विषय है सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर के चुनाव का, वो है स्टेटहुड का जी। स्टेटहुड अगर रहे तो उसके विषय पे बात करके, तो कुछ पार्टियां जो है वो स्टेटहुड को अपना मुद्दा बनाकर उसके नाम से वोट जो है वो बटोर रही है काफी अच्छे से। तो बाकी जो मैं जम्मू खित्ते में देख रहा हूं, यहाँ तो लोगों के और भी बड़े सारे मुद्दे हैं। कुछ लोगों का स्मार्ट मीटर्स को लेकर है कि वो कहते हैं कि अगर स्मार्ट मीटर्स हटाए जाएंगे तो हमें जो बिजली के बिल, आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल पैकेज रहता था, बिजली के बिल लोगों के बहुत कम रहते थे, अभी जो है लोगों को जब हजारों में बिल पे करने पड़ रहे हैं तो वो उनको बड़ा दुख हो रहा है। तो स्मार्ट मीटर्स का बिल जो हमारे जम्मू खित्ते में स्पेशली मैं कह रहा हूँ, वो बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। और दूसरा जो अपने, नहीं तो किसी पार्टी ने एड्रेस किया क्या संजीव किरनी, किसी पार्टी ने क्या बिजली के बिल को एड्रेस किया क्या? क्योंकि केजरीवाल ने बिजली पानी के दम पर दिल्ली की सत्ता पलट दी, आज तक बीजेपी लौट कर नहीं आ पा रही। पावर में आएंगे जो अपोजिशन वाले कहते हैं कि हम स्मार्ट मीटर को हटा देंगे, तो इसकी तरफ क्या वोट डाइवर्ट हो रहा क्या? संजीव किरनी, क्या इसकी तरफ वोट डाइवर्ट हो रहा क्या? रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाएगा? नहीं, क्या स्मार्ट मीटर वाले मुद्दे पर क्या डाइवर्जन हो रहा है लोगों का क्या? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे आप स्लम एरियाज में चले जाओ, वहां जहां लोगों का मुद्दा ही यही है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मुद्दा आ गया आप दिल्ली की देख रेख में कि हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक भी होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट की भी हिदायतें हैं कि आपके मोहल्ले में एक क्लिनिक बनना चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक। अभी कुछ पार्टियां उसको भी लेकर आने वाली है थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा, जो पहले चरण का चुनाव हुआ है किरनी जी, उसको लेकर क्या फीडबैक आप लोगों के पास, जो 24 सीटें हैं उसमें क्या सीन बनता नजर आ रहा है मोटे मोटे तौर पर? बताता हूं कि आप जैसे मान के चलिए किश्तवाड़ में 78% वोटिंग होना, पोलिंग होना, ये बड़े अच्छे साइंस है। कश्मीर में यहाँ कभी 18, 15, 16 से ज्यादा पोलिंग नहीं होती थी, वहां आप 69% पोलिंग हुई। ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे साइंस है, लेकिन अब इनके रिजल्ट बताएंगे कि ये वोटिंग किस लिए हुई।
जी ये 370 के आने के लिए हुई या 370 को हटाने के लिए हो रही है, ये देखना बाकी है, अभी वो नतीजों के बाद देखने को मिलेगा। अच्छा, इंजीनियर रसीद कोई फैक्टर है क्या वहां? देखिए इंजीनियर रशीद, उन्होंने इस बात को तो प्रूव किया, उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन जेल में बैठकर जीत लिया, उससे वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया कि इंजीनियर रशीद अगर यहाँ पॉलिटिकली वो विधानसभा में भी उतरते हैं तो उसका एक अलग से सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो हो सकता है वो उनकी एक जो एक आप कह सकते हैं कि एक प्लानिंग रही होगी, जो एक योजना रही होगी, तो वो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि ये तेरी योजना सफल होती दिख पड़ती है। दीपक काचरू कह रहे हैं ना कि बीजेपी वहां जो घाटी में नहीं चुनाव लड़ रही है, इंजीनियर रसीद के कंधे का इस्तेमाल करके वो आगे की योजना बना रही, जैसा कि वो एक उनके पास कुशल रणनीतिकार हैं। तो साफ सीधे शब्दों में है कि बीजेपी ने वहां प्रॉक्सी कैंडिडेट दिए हैं इंजीनियर रशीद की शक्ल में। अच्छा, तो अभी है कि जम्मू खित्ते में हमें बहुत सारी लगता है कि बीजेपी के कुछ लोग यहाँ पे अच्छी सी बहुमत लेकर अच्छा सा जीत पाएंगे, लेकिन अगर वो भी नहीं जीत पाए तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये 370 का मुद्दा ही बेकार रहेगा इनके लिए। नहीं, और ये तो बिजली दिल्ली तक ये खबरें नहीं आ पाती है कि स्मार्ट मीटर भी कोई मुद्दा है। ये लोग ऐसा राष्ट्रवाद का मुद्दा चढ़ा देते हैं कि वो मीटर बिल्कुल उसी में छिप जाता है, यहाँ तक आ ही नहीं पाता है वो। स्मार्ट मीटर को लेके और पानी के मीटर को लेके, यहाँ पे हाउस रेंट को लेके, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बहुत से लोगों में ये बहुत रोष है अभी समय यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूँ। संजीव किरनी, सैनिक समाज पार्टी के नेता संजीव लूथरा हमारे साथ काफ़ी देर से जुड़े हैं, माफ़ी के साथ मैं लूथरा साहब आपके पास आ रहा हूँ। ये जो मूल मुद्दे रखे हैं जम्मू और कश्मीर में, किस तरीके से आप देख रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है, उसके अलावा जो राजनीतिक मुद्दे, जैसे अभी बड़ा प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं, मुद्दे हैं जमीन के मुद्दे, अभी संजीव किरनी बता रहे हैं कि मीटर मुद्दा है, टैक्स मुद्दा है, तो कुछ तस्वीर आपको बदलती दिख रही वहां की क्या लूथरा जी? मैं शिक्षक समाज से जी, तो मुझे याद है कि 1990 में जब कश्मीरियों की मास माइग्रेशन हुई तो कश्मीरी बच्चे, कश्मीरी लोग लुट के जम्मू में आए, तो मेरे पिताजी ने बच्चों को एक नॉमिनल फीस लेके एडमिशन दी, और चूंकि कश्मीरी कम्युनिटी पढ़ाई के लिए जानी जाती है तो वो बच्चे पढ़ लिख के आज अच्छी जगह उन्होंने सर्विसेज ज्वाइन कर ली हैं, या उनकी जो नॉर्मल जो कंडीशन है वो पहले से बेटर हो गई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सरकार ने ओवरऑल कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं। मैं अब सैनिक समाज पार्टी से इसलिए जुड़ा क्योंकि मैंने बाकी पार्टी की आइडियोलॉजी देखी, वो मेरी आइडियोलॉजी से मैच नहीं की, तो मैंने पॉलिटिक्स से अलग हो गया। और मैंने जब ये पार्टी हमारी 2011 में कर्नल परमार ने एस्टेब्लिश की थी, और जम्मू के हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर कर्नल एसएस पठानिया जी, जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मुझे लगा कि इस जो आइडियोलॉजी है वो मेरी आइडियोलॉजी से मैच करती है, तो उन्होंने मुझे तो जम्मू ईस्ट का कैंडिडेट प्रत्याशी बनाया है। और सियासत का मतलब मेरे लिए है वो यही है कि मैं अगर चुन के आता हूं तो मुझे पब्लिक के साथ अपना कंटिन्यूसली अपना रास्ता बनाए रखना है, उनसे मिलना है, उन लोकल जो जम्मू की समस्याएं हैं वो सुननी है, समझनी है, और उनका समाधान पब्लिक को देना है। जम्मू की पब्लिक इस वक्त हद से ज्यादा दुखी है क्योंकि तो जितनी भी सरकारें पिछली आई उन्होंने जो किया के लिए किया, जम्मू तो एक दुमछल्ला बन के रह गया है। यहाँ के बच्चों को एजुकेशन की, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं, बच्चों को सीट्स लेने में प्रॉब्लम है, नौकरियों की प्रॉब्लम है, यहाँ पे करप्शन की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, और इतनी प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको कैसे बताऊं। यहाँ पे बेसिक जो प्रॉब्लम है वो प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट्स है जो गरीब तबके की वो है रोटी कपड़ा और मकान। मेरे पास स्कूल में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं जिनके पास फीस नहीं है, बच्चों की फीस देने के लिए नहीं है, तो मेरा अगर
हम हमारी पार्टी के नुमाइंदे चुन के आते हैं, तो हम सबसे पहले लोकल प्रॉब्लम, जम्मू की जो प्रॉब्लम्स है उनको टेकअप करेंगे और बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दिलाएंगे। और जो छोटा बिजनेसमैन है, जैसे छोटे दुकानदार हैं, हॉकर्स हैं, उनके लिए हम कुछ ऐसे ऐसे क्रिएशन करेंगे या ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, उनके नुमाइंदे, उन यूनियंस के नुमाइंदे अपने पास उनको बुला के उनसे हम सलाह मशवरा करके और उनके अकॉर्डिंगली उनको रिलीज देने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाएंगे। मेरा इतना ही सबमिशन है। ठीक है। मैं करण सिंह हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। करण सिंह, मैं सीधे आपकी तरफ रुख करूंगा। हमारे साथ पनून कश्मीर के दीपक काचरू लगातार इस चर्चा में जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई कश्मीरी पंडितों का हाल बदल जाएगा, हवाल बदल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो 10 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं बदला, केवल पैकेज, ये वो सब जबानी जमा खर्च है। और मतलब वो हतप्रभ हैं, परेशान हैं कि जो बातें आप लोगों ने कही थी तो क्या केवल सेंटिमेंट उभारने के लिए पूरे देश में कश्मीर 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 पंडित करते रहे आप लोग, जमीन पर काम नहीं किया कोई? करण सिंह, ये बिल्कुल जो बात है ये इनके ध्यान में नहीं है। हमारा जो शुरू से, ये आप पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज से आना, हम कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के काम पे सजे हुए हैं। जो वाजपेयी जी ने नारा दिया है उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। आज आप देखिए, पिछले कुछ देर रोज पहले कश्मीरी पंडितों को वहां पर मारने की कोशिश की, हमारी एक बहन जो टीचर थी और एक दो को मार, लेकिन आज आप देखिए कि कश्मीर में पूर्ण रूप से एक तरह से शांति आ रही है। चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, या टूरिस्ट के रूप में कहीं फॉरन से भी कोई आया हो, तो श्रीनगर में आप देखिए कितना टूरिस्ट बढ़ा है। इसका मतलब अरे आप लोग टूरिस्ट की बात करने लगते हैं, पर्यटन की बात करने लगते हैं, वो कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए क्या काम किया। पर्यटन तो तभी तभी आया ना कि वहां पर सुख शांति शांति आई, तो पर्यटन आ रहा है ना कश्मीरियों के लिए, लगातार कश्मीरी पंडितों के लिए काम हो रहा है। आज जो कश्मीरी पंडितों वो को कह रहे हैं जो पैकेज आपने दिया वो जमीन पर उतरा नहीं, प्रधानमंत्री के जो योजना के तहत लोग काम करने जा रहे हैं उनको 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली, वहां जो लोग हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो डर के मारे भाग रहे हैं, कैसे अमन शांति लेकर आए आप वहां पर? ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है कि वहां से डर, अगर डर के मारे वहां से भागना होता तो वहां से टूरिस्ट भी भागता। आज कश्मीरी पंडित वहां पर नौकरी कर रहे हैं। चलिए मैं रोक रहा हूँ आपको। हमारे साथ कश्मीरी पंडित दीपक काचरू जुड़े हुए हैं। दीपक काचरू, करण सिंह कह रहे हैं कि आप की बातें सारी गलत हैं, बताइए इनको। दीपक काचरू, कौन सी बातें गलत हैं? क्योंकि आप न्यूज देख सकते हैं। करण सिंह धैर्य से सुनिए। करण सिंह, पंडितों की जो सर्विस वहां पर लगी हुई थी, करण सिंह धैर्य से सुन लीजिए। करण सिंह उनको आप कितने महीने हो गए, करण सिंह जी, करण सिंह धैर्य से सुनिए। दीपक काचरू को, वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, पनून कश्मीर के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जो संगठन है। बोलिए दीपक काचरू जी। देखिए ऐसा था कि पिछले साल करीबन 1 साल तक, 7-8 महीने, 9 महीने जो भी है, लगभग 1 साल तक काफी जो भी कश्मीरी माइग्रेंट्स थे उन्होंने काफी धरना दिया जम्मू में, जो जम्मू में जाके उन्होंने काफी धरना दिया और लगातार बैठे थे, बहुत दिनों तक बैठे थे। मैं उनके साथ खुद बैठा था, आप चाहोगे तो मैं अपनी वीडियो दूंगा आपको। उन लोगों ने बहुत दिनों तक धरना दिया और लगभग 1 साल तक उन्होंने धरना दिया इस बात के लिए कि हम वापस नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास सिक्योर जगह नहीं है, वहां पे हमें कौन बचाएगा? वो तो कहीं है, कोई भी दिक्कत है। करण सिंह सुनो, और सैलरीज भी नहीं दी सुनोगे नहीं आप लोग, दिक्कत ही साल भर की, साल भर बाद उन्होंने सैलरीज उनकी दी, लेकिन वो चाह रहे थे कि उनको आप जम्मू से काम करवा लें, ऑनलाइन काम करवा लें या उनको काम करवा लें जम्मू से, क्योंकि श्रीनगर में परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो वहाँ जा सके, रह सके। और जब आपको, आप कहीं रह रहे होते हैं, एक तो मुस्लिम के घर में रहना होता है क्योंकि आपके पास अपना घर नहीं होता है। अब कुछ मकान उनको मिल गए हैं लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों के पास मकान नहीं है जो पीएम पैकेज वाले लोग थे, तो वो इसलिए परेशान थे कि एक तो सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कौन मार देगा? ऑफिस में, डीसी ऑफिस में घुस के मार दिया, जो राहुल भट्ट को मारा गया था वो एक सिक्योर्ड एरिया था,
डीसी ठीक है, ऑफिस था वहां घुस के अंदर मारा है उसको, जवाब तो दीजिए करण सिंह, ऐसी करण सिंह जगह पे जवाब जहां दीजिए। सिक्योरिटी नहीं है आदमी की, तो बिल्कुल कैसे बिल्कुल जान यही कह निकलती रहा है। हूं, अगर और आज जब वो वो बार घटना बार होती है दीपक तो काछुर, घटना इनका जवाब होती सुन है लीजिए, तो दीपक आज वो काछुर काम कर रहे हैं तो इसका क्रेडिट बीजेपी को जाना चाहिए ना, तो बीजेपी उनकी जान और माल की हिफाजत कर रही है ना, इन तथ्यों को मरोड़ के ना पेश करें, ये भी बताएं कि आज वहां उनकी जान की हिफाजत बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, तभी वो वहां पर काम कर रहे हैं। जो उनके मन में किसी के डर बिठाया था, गलत लोगों ने उनको धारणा उनके मन में बिठा दी थी कि जम्मू से काम होगा, श्रीनगर में मुझे आपकी आवाज जान को सुनाई नहीं दे रही है। है वो डर आज निकाल दी है ना बीजेपी ने, बीजेपी बिल्कुल उनके साथ उनकी जान की हिफाजत करती हुई उनके साथ खड़ी है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सही तथ्य बताइए। आज हम बिल्कुल हर किसी की ना टूरिस्ट की आप कहिए, बल्कि हम जो लोकल कश्मीरी पंडित तो हमारे अपने भाई हैं, क्योंकि जब इन पर जुल्म हुए तो हमने यहाँ पर उनको गले लगाया और आज भी हम उनके साथ शाना बशाना कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। वो कह रहे वोट बैंक नहीं है, वोटिंग का राइट नहीं है, वो कह रहे वोटिंग का राइट नहीं है उनको, दीपक का शुरू कह रहे हैं। अभी आप देखिए कितने परसेंट वोट, काफी लोगों को नहीं है जो बाहर चले गए, वोटिंग राइट की बात कर रहे हैं, राइट परसेंटेज की है, बात नहीं कर रहे हैं, है। वो तो वहां श्रीनगर में हुआ परसेंटेज। इन्होंने पिछले 10 सालों में क्या काम किया हम लोगों के लिए बता दें, करण बताओ कश्मीरी पंडितों के लिए क्या काम किया हमें बता दीजिए ना, उनके लिए क्या काम नहीं हुआ आप ये बताइए, आप अरे बताइए ना पूछ क्या रहे किया क्या काम किया, के लिए ये तो पॉलिटिकल बात हुई, क्या काम नहीं हुआ, ये कौन सी बात हुई, आप बताइए क्या काम किया, क्या पूछ रहे हैं, एक काम बताइए एग्जोडस के लिए क्या, हमें वापस पुनर्स्थापना करने के लिए आपने क्या काम किया। आपको बता दिया उनकी सर्विस को हमने बिल्कुल वहां पर सेफली वहां पर पहुंचाया उनको भाई, कितने कश्मीरी पंडितों को, करण सिंह करण सिंह सुनने की मादा रखो भाई, कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वहां पुनर्स्थापित किया, दीपक काछुर ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये स्थापित अब जो वहां पर सर्विस कर रहा है तो वो वहीं पर स्थापित है ना, वो अपने परिवार के साथ वहां रह रहा है, वहां पर रोजगार मिल गया उसको, सरकारी नौकरी मिल गई तो वहां पर ही स्थापित। अब ये तो वही रोजगार हुआ कि पकौड़ा तलने वाला भी रोजगार है और सरकारी नौकरी भी रोजगार है, ये तो वो हुआ बस, सरकारी उनको बिल्कुल सरकारी नौकरी में फिट किया गया, सर्विस दी गई है। मुझे लगता है दीपक काचरू को आपके साथ भेजना पड़ेगा और सर्वे करा के इसी चैनल पे एक दिन हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे। आप मेरे साथ भेजिए, मैं आपके साथ भेजूंगा और उसमें संजीव केरनी जो जम्मू कश्मीर टाइम के संपादक हैं, इनको मैं न्यूट्रल व्यक्ति के रूप में भेजूंगा कि जरा आप लोग सही रिपोर्ट हमारे चैनल पर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद करण सिंह आपका, संजीव केरनी बहुत धन्यवाद, दीपक काचरू और संजीव लूथरा आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार दर्शकों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा को बहुत इत्मीनान से बड़े धैर्य के साथ में सुना। जम्मू कश्मीर में ठीक है सरकार ने काम किया होगा, अच्छी बात है, लेकिन अब जम्मू के चुनाव में क्या बिजली का जो नया मीटर लगा स्मार्ट मीटर वो ज़्यादा उसके बिल आ रहे हैं, ये बड़ी समस्या बनेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो टैक्स है हाउस टैक्स वो बड़ी समस्या बनेगा, वो कह रहे हैं कि भाई पहले बहुत कम बिजली का बिल आते थे, अब बिजली का बिल बिल्कुल शैतान की आंत की तरह बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या राजनीतिक चीज़ों से क्या ये मूल मुद्दे जम्मू कश्मीर के चुनाव में जमीन पर उतरेंगे, ये बड़ा सवाल। नमस्कार। We'll be right back.